भागलपुर नगर निगम की लापरवाही के कारण वार्ड नंबर 49, 50 और 51 के मुख्य सड़क वारसलीगंज रोड में पिछले 2 साल से जल जमाव की समस्या से लोग परेशान होकर आज नाले के गंदे पानी में बैठ गए। तीनों वार्ड के वार्ड पार्षद सहित भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष कुमार और मोहल्ले के सैकड़ों लोग गंदे पानी में बैठकर नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जसवाल को हटाना होगा, आदि जसवाल को हटाना होगा। मेयर महोदया के बार बार आश्वासन पे निगम प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन निगम प्रशासन कोई सुध नहीं ले रही है। यहाँ सबसे बड़ा इसमें जो दिख रहा है, दिक्कत आ रही है, स्वास्थ्य शाखा प्रभारी इनकी मनमानी से सारे पार्षद आहत हैं। हमारी दक्षिणी खंड जो कि सबसे बड़ा वार्ड हमारा वार्ड 50 पड़ता है, 3205 होल्डिंग संख्या है, लेबर की संख्या मात्र 14। आपने स्वास्थ्य शाखा प्रभारी ने जब NIT के द्वारा स्वास्थ्य पूरे स्वास्थ्य विभाग का जब NIT निकला और इसको प्राइवेटाइजेशन किया गया, जब आपने प्राइवेट कंपनी को दिया, प्राइवेट कंपनी 1 रुपया में ले कि 100 रुपया में ले, उसकी काम है, उसकी जवाबदेही है सफाई करना। आज देख लीजिए हमारी जनता किस हाल में है, एक एक घर में डेंगू है। पार्षद का एकमात्र पहचान है सफाई, हम लोग सफाई करने में विफल हैं। जल जमाव के कारण डेंगू का पेशेंट जो है ना, हमारे 49, 50, 51 में लमसम 300-400 डेंगू का पेशेंट है, जिसमें क्या एक मर भी गया है जो है ना। अजीत जसवाल जी नगर आयुक्त को बोलते बोलते हम लोग थक गए। आज 2 साल ये हो गया कि 2 साल से ठौना भर पानी में हम लोग को चलना पड़ रहा है। जनता स्कूल जो बच्चा जाता है उससे बच्चा जो है ना गिर जाता है जो है ना। और मेयर डिप्टी मेयर को हम लोग ने जो है ना कितना बार बोले, मेयर साहब को यहाँ पर जो है ना भ्रमण भी करवाया, यहाँ पर आके देखा भी, आज तक जो है ना कुछ नहीं हुआ। आज क्या किया लगता है कि मेयर की आज जो है ना हम लोग को ये हुआ कि जनता जो बच्चा गिर गया नाली में, जो कि बजरंगी का बेटा है, वो जो बच्चा नाली में गिर गया उसको होश नहीं है अभी तक। यह वार्ड नंबर 49, 50, 51 का जो हथिया नाला है, पूरे शहर का नाला का पानी इसी हथिया नाला में होके गोरदई नदी को जाती है। 2017 से लेकर अभी तक वोट और अस्थायी समिति में आवाज उठाते उठाते हम लोग थक गए। समान बोर्ड एवं स्थायी समिति में ये नाला उड़ाई पास भी है, मगर आदित्य जायसवाल जो स्वास्थ्य शाखा प्रभारी है उनकी गंदी राजनीति के कारण अभी तक इस हथिया नाला का उड़ाई नहीं की गई है। 5 महीने से महापौर महोदया ने आदित्य जायसवाल स्वास्थ्य शाखा प्रभारी को इस हथिया नाला उड़ाई को लेकर डेली के डेली बोला जा रहा है, मगर उन्होंने गलत रिपोर्टिंग नगर निगम को, नगर आयुक्त को भी गलत रिपोर्टिंग, महापौर मोदिया को भी गलत रिपोर्टिंग करके दिग्भ्रमित करते आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि लगातार डेंगू से लोग ग्रसित हो रहे हैं, इसके बावजूद भी नगर निगम प्रशासन अभी तक गहरी नींद में सोया हुआ है। जल जमाव की समस्या को लेकर नगर आयुक्त, मेयर, डिप्टी मेयर, स्वास्थ्य शाखा प्रभारी सभी से शिकायत की गई, लेकिन आज तक इसका कोई निदान नहीं निकल पाया, जिसके बाद ये लोग गंदे पानी में धरने पर बैठ गए हैं। इन लोगों का कहना है कि जब तक कोई ठोस निदान नहीं निकल जाता तब तक ये लोग धरने से नहीं उठेंगे। 2 साल से हम लोग झेल रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशानी है, पूरा डेंगू है, पूरे समाज में 2 बच्चा गिर गया, वो मरते मरते बच गया यहीं पे बगल में, ये हम लोग 2 साल से झेल रहे हैं। ये नर्क कैसे ठीक होगा, कोई भी पार्षद के बस के चीज नहीं है। तीनों मेरा वार्ड पड़ता है 49, 51, 50, मेरा तीनों पार्षद यहाँ मेरे मौजूद है और सब जो है धरना पे बैठे हुए हैं, लाली के धरने पे। ये होना चाहिए, साफ होना चाहिए, पूरे समाज के लिए कोड़ है ये। ये 2 साल से परेशानी है, ये 2 साल से परेशानी है, पूरे बच्चे यहाँ स्कूल का गाड़ी नहीं आता है, डेंगू पूरे घर घर है, यहाँ तो 4-5 को मर भी गया डेंगू के कारण। ये पूरा हम लोग गिंजन में पड़े हुए हैं, लाली काल घर में पानी घुस जाता है, पूरे घर में पूरा एकदम बीमारी, सबका घर घर पूरा, कोई बच्चा नहीं स्कूल जा सक रहा है, सब घर में पड़ा हुआ, ये देखिए बच्चा सब यहाँ पे पड़ा हुआ है। लेकिन नगर निगम जो मेरे मेयर साहिबा है वसुंधरा राय,
वो खुद एक डॉक्टर साहब है, उसे खुद एक समझना चाहिए भागलपुर का स्थिति क्या है, गंदा नाला, पानी जमा ये सब, लेकिन यहाँ का स्थिति वो देख नहीं रही है। लेकिन उसको डॉक्टर होकर के जहाँ रोगी को ठीक करना चाहिए वो रोगी बढ़ा रहे हैं, इसीलिए वो डॉक्टर साहब को वो समझना चाहिए कि हमारे वार्ड का स्थिति क्या है। उसे परेशानी यही है, गंदा नाला, पानी, जल जमाव, डेंगू, डॉक्टर हो करके वो सुई भेक रहा है डेंगू का, हालांकि सुई ठीक करने का उसको उपाय करना चाहिए। हम उसको नमन करते हैं कि वो आकर के हमारे वार्ड में देखे। क्या किया आज मेरे पर तीनों पार्षद 49, 50, 51 के बैठे धरना प्रदर्शन पे, इसलिए कि मेयर को जीता है कि स्वर ये रोड बनेगा, नाली बनेगा, दूर बना के आदमी को चले गया। क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी हो रहा है, कोई बच्चा स्कूल ले जा रहा है, टोटो उलट रहा है, बच्चा नहीं जा सक रहा है स्कूल, घर से निकल नहीं सक रहा आदमी, पूजा करने जा रहा था नाली के पानी में पूजा करने जाएगा, बच्चा गिर रहा है, डेली स्कूल का गाड़ी नहीं आता है, इधर उलट जाता, काफी परेशानी है, पूरा जनता से पूछ लीजिए, कोई देखने वाला नहीं है, कोई जिला नगर आयुक्त नगर हो कोई देखने वाला नहीं है। नाली में गिरी के लिए पानी इतना हो जाए ना, पानी इतना हो जाए कि नाली और रोड रोड पता नहीं चल रहे, नाली में गिरी के लिए है सब, मैं दर्द हो गया, किसी के हर घर में बच्चा गिरी जाए से निकल सके से, इतने परेशानी बीमारी तो हर घर में सो गई, यहाँ से वहाँ तक हर घर में बीमारी। आज हम लोग पूरे बेबस होके आज नाली के पानी में बैठना पड़ा और ये अनिश्चितकालीन रहेगा जब तक कि यहाँ के निगम प्रशासन इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं करती। मेयर को कहने के बाद भी कोई हल नहीं निकला, मेयर साहब को कहने में कोई हल नहीं निकला, क्या कीजिएगा आगे? आगे हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, जो होगा अभी बैठे रहिएगा, अभी हम लोग बैठे रहेंगे। अब स्थिति यह है, जरा सा ही पानी पड़ता है तो वारसलीगंज का जो मेन रोड है, नाला और रोड दोनों बराबर पानी चलता है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, महिलाएं सब पानी के कारण नाले में गिर जाते हैं, नाला ओपन है। हम लोग इसी बात को लेकर कुछ दिन पहले स्वास्थ्य सखा प्रभारी आदित्य जायसवाल से मिले थे, आदित्य जायसवाल जी का कहना हुआ कि जाइए इस हथिया नाला का उराई नहीं होगा, जो करना होगा कीजिए। हमने इसकी शिकायत नगर आयुक्त महोदय, महापौर महोदय, उप महापौर महोदय से किया, उन्होंने संज्ञान लिया, उनके सामने आदित्य जायसवाल ने बोला 30 लेबर एक महीने तक जाके वहाँ साफ करेगा, मगर 2 दिन मात्र गैंग आया 10 लेबर, उसके बाद फिर गैंग बंद कर दिया गया। फिर हम लोग किसको गए, हम लोग कहते कहते अथक हो गए। आज जनता की परेशानी को देखते हुए हम लोग जनता के हित के लिए आज जो है सामूहिक 49, 50, 51 के पार्षद और जनता लोग ये वारसलीगंज रोड पे, मेन रोड पे पानी में धरना पे बैठ गए। जब तक निगम प्रशासक के द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं ली जाती है, तब तक हम लोग तीनों वार्ड के जनता को लेके इस पानी में धरना देते रहेंगे।